मैत्रेय कंपनी में राशि निवेश करने वाले ग्राहकों ने शनिवार को दोपहर बीआरएसवी विदर्भ प्रदेश महासचिव राजू झोड़े इनके नेतृत्व में वित्त मंत्री व जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनके घर का घेराव किया। इस दौरान सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान निवेशकों की राशि वापस नहीं देने की बात आंदोलनकारियों ने स्पष्ट की। प्रशासन व सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही दिए गए। दो वर्ष से अधिक वर्ष होने के बावजूद जांच पूर्ण नहीं हुई है। इसके विरोध में वित्त मंत्री के निवास स्थान समक्ष घेराव आंदोलन किया गया। निवेशकों ने मैत्रेय कंपनी के राजपत्र में दर्ज संपत्ति की प्रशासकीय यंत्रणा के माध्यम से तत्काल नीलामी करने की मांग की। निवेशकों की राशि जल्द से जल्द नहीं मिलने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आंदोलन में राजेश पाटिल, रवि कामतवार, अर्चना तेजे, सुमित्रा कुचनकर, माया पिंदोर, प्रशांत समन्नवार, राम मडावी, दुलाराम मांढरे, आनंद पिपरे, प्रवीण बावने, निमगड़े, ताले आदि ने हिस्सा लिया। नाम रामचंद्र पौंड्रक मडावी है। मैं 17 सालों से 18 सालों से मैत्रेय में काम कर रहा था। अचानक कंपनी बंद होने से हमारे चंद्रपुर जिले की जितने भी कस्टमर्स है वो सारे हमको परेशान कर रहे थे। बार बार निवेदन देने के बावजूद भी, बार बार मूर्ति निकालने के बावजूद भी, बार बार घेराव आंदोलन करने के बावजूद भी मंत्री संत्रियों से नगर सेवकों से लेकर मुख्यमंत्री तक निवेदन देने के बावजूद भी हमको कोई न्याय नहीं मिला और लगता नहीं कि हमें मिलेगा। इसलिए हम सारे इन्वेस्टर, चंद्रपुर जिले के सारे इन्वेस्टर आज के घेराव आंदोलन में पैसा मिलने के हेतु हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की विनती है सुधीर भाऊ से, हमारी ज़्यादा परीक्षा ना ले ताकि हम कस्टमर को सुकून का जीवन जीने को मिले, कस्टमर का पैसा वापस मिले, यही हमारी इच्छा है। और 16 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है और करीबन 40 से 50,000 या 75,000 तक हमारी इन्वेस्टर की संख्या हो सकती है। और चंद्रपुर जिले के अंदर करीबन 15 से 20,000 एजेंट लोग कार्यरत है। इनके माध्यम से पूरा चंद्रपुर जिला, गढ़चिरौली जिला, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और आज ना कल मिलेगा। इस हेतु से हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं। हमारा इन्वेस्ट 2008 साल से चालू है, 2015 तक चलता रहा। 2015 के बाद हमारी कंपनी बंद हुई। इससे पहले जितने भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है पूरा सरकार के तरफ है। सरकार ने संपत्ति जब्त कर ली है, वो बेच के संपत्ति देंगे, पैसा देंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन आज तक हमारे किसी इन्वेस्टर को पैसा अभी तक हाथ में नहीं मिला है। आखिरी सिरोंजा तालुके से आ रहे हैं, में हम आलापल्ली से काम करते, पूरे सिरोंजा तालुके से पूरा हमारा नहीं क्या बाबे मैत्री में पैसा डाले और 3 साल हो गए हम नाली खोदे और लोगों के सो भी पैसे लेके, कामगार लोगों के भी पैसे लेके है। हमको इतना त्रास हो रहा क्या, पैसे नहीं मिल रहे, हमारे पैसे अभी दो, घर बेच को दो, कुछ क्या कर दे तुम्हारे जान के ऊपर हो, कुछ भी करो मगर हमारा पैसा दे करके बोल रहे। इनको जब ये पैसे यानी ये प्राइवेट सेक्टर चलाना नहीं होता था तो वो सरकार काय को नहीं क्या ये मान्यता दे के काम करने को होना, जब बंद होती तो पहले पैसे वापस देने को होना था, बाद में नहीं क्या वो कंपनियां बंद करने की होती। सुधीर भाई मुनगंटीवार ने भी बताया, बार बार हम आने के बाद इसलिए आ रहे क्या, ये अपने जिले का मंत्री है, एक उसको भी न्याय लगाएगा यहाँ पे, यानी बड़ी से बड़ी नहीं कि यहाँ पे बैंक थी उनको भी मालूम था मैत्रेय बैंक चल रही थी, बाद में करके वो देते करके बोल रहे थे उनके घर के सामने हमारे पैसे के लिए वास्ते आए है, कुछ भी करो मगर हमारा ये मैत्रेय का पैसा होना नहीं तो हमारी जान भी जाएंगी। तो आखिरी तीव्र आंदोलन करके हम कहाँ तक पहुँचोगे, हमको औरत लोगों को क्या मालूम है, सामोर का आंदोलन ऐसा होगा जलो या मारो या ऐसा हम आंदोलन करने वाले हैं और आगे चल के।